Assalamu alaikum, student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is a question from October-November 2018. And this is a paper 2 variant 1 question. This question is related to the concept of mensuration. अच्छा, मजे की बात ये है कि first part is related to mensuration. First part में उसने हमें एक compound shape दिया हुआ है और हमसे volume से related जो है ना वो question पूछ रहा है first part. अच्छा, सेकंड पार्ट में फिर उसने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स. और फिर थर्ड पार्ट में हमसे जो है वो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का सवाल उसने पूछा है, जिसमें हम लोग लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड आउट करते थे ना, तो उससे रिलेटेड जो है ना वो थर्ड पार्ट है. द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व, लेट जस्ट डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह, और ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ जाएगा. मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं तो तीनों कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश भी करेंगे. तो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो. आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर देखते हैं कि ये किस तरह सॉल्व हुआ है और स्ट्रेटजीज जो है वो किस तरह यूज हुई है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में उसने हमें दो फॉर्मूलाज जो है वो लिख के दे दिए. अच्छा, पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, दैट इज 4/3 πr³. और फिर हमें दे रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि बराबर होता है 4πr² के. मेंसुरेशन में बिल्कुल आपको फॉर्मूलाज लिखे हुए मिलते हैं, इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सारे फॉर्मूलाज आपको लिख के नहीं देता. तो इट्स बेटर टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज. ये मैं बार बार हर वीडियो में मेंसुरेशन के बोलता हूँ कि भाई मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज आप याद कर लो, क्योंकि वो आपको सब चीज़ें नहीं मैंशन करेगा. ऐसा ना हो कि आपने याद ना किया और वो फिर आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे, फिर आप इसको यूज ना कर पाओ. क्योंकि मेंसुरेशन में फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करके जो है वो आंसर्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं. तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का. फिगर हमारे पास बनी हुई है, ठीक है. फिगर में हमें कंपाउंड शेप नजर आ रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ के ये देखते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से 3D शेप्स हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि द डायग्राम शोज लैम्प ए. ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये एक लैम्प है, लैम्प ए. इट इज मेड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर एंड विद अ हेमिस्फीयर ऑन टॉप. अब ये हमें बता रहा है कि ये जो लैम्प ए है इसमें सिलेंडर है और टॉप पे हेमिस्फीयर है. हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ ऑफ स्फीयर. द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर बोथ 3 cm. मतलब सिलेंडर का रेडियस भी 3 cm है और हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3 cm है. हमसे कह रहे हैं द टोटल हाइट ऑफ द लैम्प इज 24 cm. जो लैम्प की टोटल हाइट है वो 24 cm है. मतलब ये हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर, इसकी हाइट जो है ये 24 cm है. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ लैम्प ए इज 650 cm³, करेक्ट टू 3 significant figures. ठीक है, हमें शो करना है कि ये जो लैम्प ए है इसका वॉल्यूम आ रहा है 650 cm³. अच्छा, अब सिंस लैम्प ए हैज 2 3D solids, द फर्स्ट वन इज हेमिस्फीयर एंड द सेकेंड वन इज सिलेंडर, तो दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज प्लग इन करेंगे, दोनों के इंडिविजुअल वॉल्यूम्स को निकाल लेते हैं एंड देन उन दोनों को ऐड कर देंगे टू गेट द टोटल वॉल्यूम. और वो टोटल वॉल्यूम जो है ना लैम्प ए का वो आना चाहिए 650 cm³. तो फिर हम शो कर देंगे कि भाई ये लैम्प ए का वॉल्यूम इस तरह 650 आ रहा है और हमें 4 marks इसके मिल जाएंगे. उसके लिए हमें दोनों के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि भाई हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है और ये जो सिलेंडर है इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है. तो सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन 4/3 πr³, और मैंने बताया कि भाई स्फीयर को हाफ कर दो तो हेमिस्फीयर बन जाता है, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का दैट विल बी 2/3 πr³. ठीक है, ये मेरे पास जो है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया है हेमिस्फीयर का, 2/3 πr³. अच्छा, अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है. सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था. मैंने जो है वो इसको याद किया हुआ था इसीलिए मैंने इसको यूज किया. अगर आपने याद नहीं किया होगा तो आपसे ये पार्ट नहीं होगा. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h. अच्छा, अब रेडियस तो दोनों का 3 cm है, रेडियस तो दोनों का 3 cm है, इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, बट व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ये जो 24 cm है दिस इज द टोटल हाइट ऑफ लैम्प, ये सिलेंडर की हाइट नहीं है, ये तो टोटल हाइट ऑफ लैम्प है. अब मैंने जब फिगर को देखा तो मैंने देखा कि सिंस द रेडियस इज 3, अब ये वाली जो लाइन है ये तो रेडियस है हेमिस्फीयर का, तो ये वाली लाइन है ये भी ऑटोमेटिकली रेडियस ही है. ठीक है, तो ये भी रेडियस ही है और ये रेडियस जो है ये भी 3 के बराबर है. तो इफ दिस इज 3, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 3 होगा. और अगर मुझे
सिलेंडर की हाइट चाहिए ये पूरी, सिलेंडर की हाइट जो है ना वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अगर ऊपर का पार्ट 3 है तो ये बाकी का पार्ट कितना होगा, ये कैसे निकालूंगा? टोटल 24 है, 24 में से 3 को माइनस कर देता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि भाई सिलेंडर की हाइट कितनी है। तो 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21, तो 21 इज बेसिकली द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब मैं जल्दी से दोनों के वॉल्यूम्स निकाल लेता हूँ। पहले मैंने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाला, 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस की जगह पे 3 रखा, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 3 किया, कैलकुलेटर यूज किया, तो मेरे पास जो वॉल्यूम आ गया हेमिस्फीयर का दैट इज 56.54। ठीक है, 56.54 कर लो इसको, या इसको अगर आपको जो है वो 1 decimal प्लेस तक लिखना है तो आप 56 लिख लो, 56। जल्दी से इसको कैलकुलेट भी कर लो, वेरीफाई कर लेते हैं, मैं भी करता हूँ, तुम लोग भी करो अपने कैलकुलेटर से। 2/3, अच्छा ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय पाई, कैलकुलेटर वाला जो पाई है वही यूज़ किया करो, और ये 3 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 56.54, वेरीफाई हो गया, 56.54 सेंटीमीटर क्यूब, तो दैट इज द वॉल्यूम। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 56.54 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज पाई, आर इज 3, सो 3 स्क्वायर, एच इज 21। कैलकुलेटर दोबारा जल्दी से यूज करो, मल्टीप्लाई करो, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई कैलकुलेटर वाले यूज कर लो, इक्वल्स टू दबाओ तो 593.76 जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और सिंस आई नीड टू फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को एड अप कर देता हूँ, इसमें मैं 56.54 ऐड करूंगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 650.3। और सिंस उसने मुझे बोला है करेक्ट टू 3 सिग्नेंट फिगर्स, तो मैं 0.3 को हटा देता हूँ, तो मेरा जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है दैट इज 650 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में गिवन था और मुझे शो करना था, और मैंने वो इंडिविजुअल वॉल्यूम्स निकाल के टोटल किया, दोनों को ऐड किया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 650 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 4 mark का क्वेश्चन था, इसमें बिल्कुल आपको इतनी वर्किंग करनी थी, आपको शो करना था कि वॉल्यूम ऑफ द लैम्प जो है ना वो 650 आ रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैम्प पे। अब कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा। देयर इज अ डिफरेंस इन कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जैसे नाम से आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ कर्व सरफेसेस का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप इस फिगर को और से देखो तो इसमें 2 तरह के कर्व सरफेसेस हैं, एक ये रहा हेमिस्फीयर का और एक जो है ये सिलेंडर का है। ठीक है, एक जो है ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। तो मुझे फॉर्मूलाज याद है, मैंने जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करने हैं। इसने मुझे जो है वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 4πr², तो चूंकि ये हेमिस्फीयर है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2πr². ठीक है, चूंकि हेमिस्फीयर में सर्फेस कर्व भी होती है तो 2πr² इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πrh के बराबर होता है। दोनों फॉर्मूलाज मुझे याद है, मैंने सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करनी है। 2 × π × 3 × h जो है वो 21 है, तो मेरे पास आंसर आ गया 395.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि ये एरिया है। और फिर मैंने जो है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल लिया 2πr² से, 2 × π × 3² इज इक्वल टू 56.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये भी। ठीक है, सिंस आई नीड टू फाइंड आउट द लैम्प ए का पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, तो दोनों को एड अप कर दिया, 395.84 प्लस 56.54 किया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 452.4 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। ये मेरे पास जो है वो कर्व सरफेस एरिया हो गया लैम्प ए का। ये कर्व सरफेस एरिया आया, ये टोटल सरफेस एरिया नहीं आया, ये कर्व सरफेस एरिया आया है ऑफ लैम्प ए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि लैम्प बी इज मैथमेटिकली सिमिलर टू लैम्प ए, मतलब एक और लैम्प लेके आई है लैम्प बी, और वो कह रहा है कि वो बिल्कुल लैम्प ए की तरह दिखता है, मैथमेटिकली सिमिलर है, मतलब सिमिलर फिगर्स हैं। हमें कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ लैम्प बी इज 450 सेंटीमीटर क्यूब। लैम्प बी का जो वॉल्यूम है वो 450 सेंटीमीटर क्यूब है। लैम्प ए का हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमें पहले ही क्वेश्चन में मेंशन था लैम्प ए का वॉल्यूम कितना था, 650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये आपको नजर भी आ रहा है, 650 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये लैम्प ए का वॉल्यूम हो गया। अच्छा, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ लैम्प बी, लैम्प बी की हाइट फाइंड आउट करनी है।
लैम्प ए की हाइट मुझे पता है 21 है, सॉरी 24 है, मेंशन हुआ हुआ था क्वेश्चन में कि इसकी जो हाइट है लैम्प ए की वो है 24 सेंटीमीटर। तो अब मुझे जो है वो लैम्प ए का तो पूरा डाटा मौजूद है, हाइट भी पता है और मुझे उसका वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। वॉल्यूम आ रहा है 650 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट उसकी आ रही है 24 सेंटीमीटर। लैम्प बी की हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये सिमिलर फिगर वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो हमें वो फॉर्मूला याद है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, V1 अपॉन V2 होता था, मतलब वॉल्यूम का रेशियो होता था किसके बराबर होता था, ये H1 अपॉन H2। और चूंकि ये वॉल्यूम था तो फिर इस पे पावर क्या आती थी, इस पे पावर क्यूब आती थी, ठीक है। तो H1 अपॉन H2 पे जो पावर आ रही है ये क्यूब आ गई। अब मुझे बस सिर्फ वैल्यूज जो है वो पुट करनी है और मुझे जो है वो कैलकुलेटर से जो है वो हाइट फाइंड आउट कर लेनी है। अब मुझे डिसाइड ये करना है कि मैं V1 किसको लूँ, V2 किसको लूँ, चूंकि मुझे हाइट फाइंड करनी है, चूंकि मुझे हाइट इसकी फाइंड करनी है, तो मैं H1 को जो ऊपर वाली चीज़ है H1, इसको लैम्प बी ले लेता हूँ। तो लैम्प बी का वो वॉल्यूम भी फिर ऊपर आएगा, तो लैम्प बी का वॉल्यूम कितना है, लैम्प बी का वॉल्यूम है 450, तो 450 ऊपर आ गया, क्योंकि मैं जो है वो मुझे लैम्प बी की हाइट चाहिए ना, तो मुझे न्यूमरेटर में रखना है अननोन को, तो वॉल्यूम भी फिर उसी का ऊपर आ जाएगा। और लैम्प बी का वॉल्यूम कितना है 650, तो वो नीचे आ गया, ठीक है। और इक्वल्स टू, और H1 मुझे फाइंड आउट करनी है, H1 मुझे फाइंड आउट करनी है, H2 की जगह पे 24 आ जाएगा, क्योंकि हाइट जो है वो इसकी 24 है। और इस पे पावर मत लगाना बोलना, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, एक एरिया वाला फॉर्मूला भी यूज़ किया था, एरिया में यहाँ स्क्वायर आता था, चूंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में हम क्यूब यूज़ करेंगे। अब मुझे H1 चाहिए, H1 पे क्यूब है, तो क्यूब को हटाने के लिए क्या करूंगा, क्यूब का इन्वर्स क्या होता है, क्यूब रूट होता है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, इस तरह मैंने जो है वो क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट के लिए यहाँ 3 लिखना बड़ा ज़रूरी है, वरना ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये क्यूब और ये क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल। और अब मुझे ये कैलकुलेटर से जो है ना ये फाइंड आउट करना है, कैसे करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, 450 डिवाइडेड बाय 650 करूँगा, मेरे पास जो आंसर आएगा उसका मैं क्यूब रूट ले लूँगा, ठीक है। क्यूब रूट का बटन भी कैलकुलेटर में होता है, तो आपने सिर्फ इक्वल टू दबाना है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.885, ठीक है, 0.885 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर इसकी जगह डायरेक्ट लिख लेता हूँ 0.885, और वहां क्या आ जाएगा, वहां आ जाएगा H1 अपॉन 24, ऐसे ही है, 0.885 इक्वल्स टू H1 अपॉन 24 हो गया। और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H1, तो 24 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिर्फ मुझे कैलकुलेटर से अब फाइंड करना है 0.885 मल्टीप्लाई बाय 24 करूंगा, तो मेरे पास जो हाइट आ जाएगी 21.23, ये जो है वो लैम्प बी की हाइट आ गई 21.23, ये मेरा आंसर आ गया। बस 2 मार्क के लिए वर्किंग बहुत है, आपने 21.23 लिख दिया, तो ये जो है दैट इज द हाइट ऑफ लैम्प बी। अच्छा, पार्ट जो लास्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। इसमें हमसे कह रहे हैं द मास ऑफ लैम्प सी इज 340 ग्राम्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स, ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 है ये मेरे पास एक्यूरेसी आ गई, और मैंने 10 को जब 2 से डिवाइड करता हूँ, हमेशा एक्यूरेसी को हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास एरर आ जाता है, तो एरर इसका आ रहा है 5, सही है। आगे कह रहा है 8 of these lamps आर प्लेस्ड इन अ पैकिंग केस, द टोटल मास ऑफ द पैकिंग केस एंड द 8 lamps इज 4.2 किलोग्राम्स। अच्छा, यहाँ यूनिट चेंज कर दिया इसने, पहले ग्राम्स की बात कर रहा था, अब कह रहा है कि भाई जो टोटल मास है ना 8 lamps का प्लस द पैकिंग केस वो है 4.2 किलोग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 kg। अच्छा, अब 0.1 kg का क्या मतलब हुआ, 0.1 को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास जो एरर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.05, ठीक है, तो एरर मैं पहले ही निकाल लेता हूँ, चलो 0.05 आ गया। मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द पैकिंग केस व्हेन एम्प्टी, कह रहा है पैकिंग केस का जो मास है उसकी अपर बाउंड फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है वो समझ तो आ गया कि मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसने मुझे यहाँ टोटल मास दिया हुआ है, टोटल मास इसने मुझे किलोग्राम्स में दिया हुआ है, लैम्प का भी दिया हुआ है और पैकिंग केस, 8 lamps प्लस पैकिंग केस का उसने मुझे वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 8.2 किलोग्राम, और यहाँ उसने मुझे 1 lamp का मास दिया हुआ है, तो मैं 1 lamp के मास को 8 से मल्टीप्लाई करके
लैम्प का मास निकाल लूंगा और फिर इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पैकिंग केस का मास कितना है। लेकिन उसके लिए जो है वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट भी यूज करना है, क्योंकि इसने मुझे भी बोला है कि फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ द मास ऑफ पैकिंग केस। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं ये काम करता हूँ कि ये मुझे एरर पता चल गया है तो मैं इसका लोअर बाउंड निकाल लेता हूँ। जो एरर आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ से, मैं जो है ना इसकी इस रीडिंग की अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लेता हूँ। अपर बाउंड निकालने के लिए क्या करता हूँ, एरर ऐड कर देता हूँ तो ये 345 बन जाएगा, और लोअर बाउंड निकालने के लिए क्या करूंगा, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 335। ठीक है, अब चूंकि उसने मुझे बोला है कि पैकिंग केस का अपर बाउंड निकालो, तो इसका मतलब है मुझे लैम का लोअर बाउंड लेना पड़ेगा। तो लैम का इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, लैम का लोअर बाउंड ले लूंगा, तो एक लैम का जो मास है मेरे पास दैट इज कमिंग आउट एज 335 ग्राम्स। तो 8 का मास कितना होगा, तो मैंने क्या किया 335 मल्टीप्लाई बाय 8 किया, तो मेरे पास आंसर आया 2680 ग्राम्स। ठीक है, ये ग्राम्स में आया, चूंकि अब मुझे किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 2.68 किलोग्राम्स। दिस इज द मास ऑफ 8 लैम्प्स इन किलोग्राम, 2.68। तो अब जरा एक चीज जरा थोड़ा सा और इसको समझ लो कि ये जो 2.68 किलोग्राम आया ना, दैट इज द मास ऑफ 8 लैम्प्स, लेकिन ये लोअर बाउंड है। ये जो मास ऑफ 8 लैम्प्स हैं उनकी लोअर बाउंड आई है ये 2.68 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ 335 यूज किया, तो इसको जहन में रखना है। मैंने यहाँ 335 इसलिए यूज किया है क्योंकि वो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द मास ऑफ पैकिंग केस। तो इसका मतलब है कि चूंकि मुझे मास ऑफ पैकिंग केस चाहिए तो मैं बाकी चीजों को कम से कम लूंगा, ताकि मेरा आंसर जो है वो ज्यादा से ज्यादा है। तो कम से कम का मतलब है मैं लोअर बाउंड लूंगा, तो इसीलिए मैंने जो है ना यहाँ 335 वैल्यू ली थी, 345 नहीं ली, लोअर बाउंड मैंने जो है वो कंसिडर किया है, और मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है तो 2680 ग्राम्स में आ गया, और फिर मैंने इसको 1000 से डिवाइड करके 2.68 किलोग्राम्स आ गया। दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ 8 लैम्प्स। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास यहाँ है टोटल मास ऑफ पैकिंग केस एंड 8 लैम्प्स, वो है 4.2 kg, और आगे कह रहा है करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 kg। तो अब चूंकि मुझे पैकिंग केस का, चूंकि मुझे पैकिंग केस की अपर बाउंड चाहिए, तो मुझे इस वैल्यू का भी अपर बाउंड चाहिए। तो इसका अपर बाउंड कैसे निकालूंगा, 0.1 मेरे पास एक्यूरेसी है, इसको 2 से डिवाइड किया 0.05 आ गया। अब इसको अपर बाउंड के लिए क्या करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा 4.2 में, जब 4.2 में ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 4.25। ठीक है, और फिर जो है लोअर बाउंड के लिए क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जब 4.2 में से 0.05 को माइनस करूंगा, अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या लेना है। तो मुझे इसकी अपर बाउंड चाहिए, मुझे लोअर बाउंड नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पैकिंग केस का जो मास है उसका अपर बाउंड चाहिए। तो इसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया, इसको मैंने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो अब 4.25 है, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ माइनस करना है 4.25 में से, मैंने 2.68 को माइनस किया तो मेरे पास ये 1.57 किलोग्राम आ गया। दिस इज द अपर बाउंड ऑफ द मास ऑफ पैकिंग केस, क्योंकि इसमें से मैंने 4.25 जो है बेसिकली ये अपर बाउंड है, ये 4.25 इज द अपर बाउंड ऑफ द टोटल मास ऑफ पैकिंग केस एंड 8 लैम्प्स। तो इसमें से मैंने लोअर बाउंड ऑफ 8 लैम्प्स का जो मास था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो पैकिंग केस का आ गया, और पैकिंग केस की भी अपर बाउंड का आ गया, तो 1.57 इज माई फाइनल आंसर। तो ये जो था ये क्वेश्चन था जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसने पूछ लिए, तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने जो है वो रिवीजन भी कर लिया सारे कॉन्सेप्ट्स का। अपर बाउंड और लोअर बाउंड में यही होता है कि आपको एक्यूरेसी दी हुई होती है, एक्यूरेसी को आप हमेशा 2 से डिवाइड करते हो, जो आंसर आता है वो एरर कहलाता है। अपर बाउंड के लिए एरर को एक्चुअल रीडिंग में ऐड कर देते हैं, लोअर बाउंड के लिए एरर को एक्चुअल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब तुम्हें ये डिसाइड खुद करना होता है कि मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है। वो कौन बताता है, वो तुम्हें जो है वो क्वेश्चन बताता है कि जैसे क्वेश्चन कहता है अपर बाउंड ऑफ मास ऑफ पैकिंग केस फाइंड आउट करना है, तो हमने 8 लैम का जो मास निकाला था उसका हमने लोअर केस लिया, मतलब लोअर बाउंड लिया, और जो हमने टोटल मास जो था हमारा उसका हमने अपर बाउंड लिया, ताकि हमारा आंसर जो है ना वो मैक्सिमम आए जो कि हमें फाइंड आउट करना है।